Hey, hello everybody, welcome back with a new video. मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना। कैसे हमें इसे यूज़ कर सकते हैं फिक्स टाइम ट्रेडिंग के साथ, फॉरेक्स के साथ, ये भी काफ़ी ने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज लाइव यूज़ करने वाले हैं। $400 मैंने डिपॉजिट किए थे, अब हमारे अकाउंट में है 405। अब $5 जो है एक्स्ट्रा है, मतलब जो अर्निंग है उस पर लेने वाले हैं रिस्क। यहाँ पर देख सकते हैं आप, $5 का जो अमाउंट है उस पर मैं रिस्क लेने वाला हूँ टोटली, और उस पर आज करने वाले हैं कंपाउंडिंग। यानी कि अगर हम लॉस करते हैं $5 के अमाउंट तो कोई बात नहीं भाई, प्रॉफिट यह गया तो गया, लेकिन उस $500 से आज का जो हमारा टारगेट है वो है $50 अर्न करने का। 5 से 50 कैसे बना सकते हैं भाई, थंबनेल आपने देखा होगा। और यहाँ पे देखो, मैंने एक ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है $5 की अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब ये जो ट्रेड्स है किस बेसिस पे मैं ले रहा हूँ आपको बता देता हूँ, तो ये मार्केटिंग इम्पैक्ट के बेसिस पे है। मतलब आप मार्केट को चेक करोगे ना, एनालाइज करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि किस बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। यानी कि करंट मार्केट को देखते हुए यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो $5 की अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने प्लेस कर दी है ट्रेड। अब इसके बाद अगर हम ये ट्रेड लॉस करते हैं, देखो दो केस आते हैं, अगर हम प्रॉफिट लेते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ तो यहाँ पे अगली जो ट्रेड होगी वो हमारे टोटल प्रॉफिट के साथ होगी, यानी कि बेस अमाउंट प्लस प्रॉफिट। और अगर ये जो ट्रेड है हम लॉस कर जाते हैं तो यहाँ पे ही सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, विल नॉट प्रोसीड फर्दर। तो यार देखो, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप रिस्क लोगे अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट के कुछ हिस्से पे। अब ये देखो कि लास्ट 10 सेकंड्स बाकी हैं और हमारे पास अभी काफ़ी 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 चांसेस हैं प्रॉफिट लेने के इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, सो यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में क्लोज हो गई है। 9.40 की मैंने सेकंड ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, और यूरो यूएसडी पे, यानी सेम करेंसी पे है। 35 सेकंड्स बाकी हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तक प्रॉफिट में, तो यार किस बेसिस पे ली मैंने, देखो हमारा जो टोटल ट्रेड था यानी कि $5 का हमने ट्रेड लिया था, अब उस पर मैंने प्रॉफिट लिया, तो टोटल जो प्रॉफिट अमाउंट था और बेस अमाउंट था दोनों को प्लस करके मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। पहली ट्रेड $5 की, सेकंड ट्रेड $9.40 की। अब लेट्स सी कि थर्ड जो ट्रेड है अगर हम यही प्रॉफिट कर जाते हैं, अगर हम प्रॉफिट कर जाते हैं तो ये जो प्रॉफिट होने वाला है $7.71 का, इसको प्लस करेंगे 9.40 में और फिर ट्रेड लेने वाले हैं हम। यानी कि हम जो ट्रेड लेंगे ना वो टोटल अमाउंट्स पे ट्रेड लेंगे, जितना भी यहाँ पे अमाउंट होने वाला है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हम प्रॉफिट लेने वाले हैं और बेस अमाउंट है सबको प्लस करते करते हम ट्रेड लेने वाले हैं। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो ट्रेड होगी यानी कि ट्रेड जो भी हम लेने वाले हैं ना, इस पर पूरे रिस्क है, और रिस्क कितनी है, $5 पे रिस्क है। नेक्स्ट ट्रेड मैंने ले ली है $17.1 की। यार बहुत डिफिकल्ट है आपसे बात करते करते ट्रेड लेना, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, आपको ट्रेड भी लेनी होती है। तो यहाँ पे $17.11 जो हमारा टोटल हो गया था उस पर मैंने ट्रेड ले ली है, और यहाँ पे अगर हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है $14.03 का। तो टोटल बेसिक यानी कि 17. अरे यार ये तो लॉस में जा रहा है। ओके, लेट्स सी, अगर लॉस में यहाँ पे जाता है तो हमारा टोटल अभी तक का सब खत्म हो जाएगा। एंड आज का टारगेट है हमारा $50 तक पहुँचने का, यानी कि $5 से $50 तक पहुँचने का। ओके, नाउ ट्रेड इज़ गोइंग इन प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे ना, अब ज़रूरत है एक प्रॉफिट टारगेट असाइन करने की। अगर आप क्या करोगे ना, आप सोचोगे कि भाई मैं $5 से $1,000 तक पहुंच जाऊंगा कंपाउंडिंग करके, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा छोटा टारगेट रखो यार, क्योंकि बीच में एक ट्रेड तो आप डेफिनेटली लॉस करने वाले हो। तो यहाँ पे रिस्क है सिर्फ $5 की और प्रॉफिट है $50 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपाउंडिंग से, अब ये लास्ट ट्रेड है ये भी प्रॉफिट में क्लोज हो गई है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, 3 ट्रेड कंटिन्यूसली प्रॉफिट में क्लोज हो गई है और हमारा प्रॉफिट हो गया $14.03 का। अब नेक्स्ट ट्रेड हमारी होने वाली है 31. अब देखो कैलकुलेट करने दो मुझे, 31.414 की, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द मार्केट, और मुझे नहीं लगता है प्रॉफिट होने वाली भाई, अगेंस्ट चला गया हमारे प्रेडिक्शंस के। लेट्स सी ये क्या होता है, अगर ये प्रॉफिट होती है हमारी लास्ट ट्रेड तो भाई यहाँ पे ही हम क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी मेरा आप लाइव अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं $400 है। अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करते हैं तो हमारा जो बैलेंस हो जाएगा ऑलमोस्ट 54 या 55 के आसपास हो जाएगा, अगर प्रॉफिट में क्लोज करते हैं तो। नहीं करते तो भाई वैसे भी कुछ नहीं लेके आए थे, वैसे भी कुछ नहीं लेके जा रहे, बात बिल्कुल वहीं की वहीं है, कुछ गया भी नहीं है, कुछ आया भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जो भी है। तो अभी प्रॉफिट में है, और भाई थोड़ा सा और नीचे रह जा, जस्ट भाई 19 सेकेंड तक, थोड़ी देर तक और नीचे रह जा, तो उसके बाद हमें मिलने वाला है डायरेक्टली $50 ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $5। क्योंकि देखो अगर मैं $5 से ज़्यादा रिस्क लेने की बात नहीं गई है, $400 का अकाउंट है, सिर्फ $5 पे कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ज़्यादा। और भाई एक और चीज़ भाई,
टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो। लास्ट डेट हम प्रॉफिट में क्लोज कर गए हैं और हमारा टोटल बैलेंस हो गया है $456.67। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि लास्ट डेट में हमारा प्रॉफिट था $25.53 का। भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और भाई देखो $5 से कैसे कि $56 पे पहुँच गए, मतलब $5 से 56 का मतलब लगभग $51 का प्रॉफिट। तो जैसा कि मैंने कहा था, थंबनेल को जस्टिफाई ज़रूर करूँगा जो भी थंबनेल मैंने रखा है। तो भाई मज़ा आया होगा वीडियो देख के, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कंपाउंडिंग जो स्ट्रैटजी है इसके ऊपर और वीडियोस चाहिए, कैसे हम कहाँ तक किस हद तक किस अकाउंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो आपका अकाउंट $100 का है तो आपको कितनी कंपाउंडिंग जो है ट्रेड्स लेनी चाहिए, या फिर किस पर्टिकुलर बैलेंस को यूज़ करना चाहिए एज ए कंपाउंडिंग स्ट्रैटजी के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है भाई, ऐसा मज़ा लाइक यूजुअली अब देखने को नहीं मिलती है भाई, कई बार हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें भाई आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना भाई, बिल्कुल मत भूलना। मुझे नहीं पता, कितने भी करो कुछ भी करो लाइक करो। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।